छात्र हॉस्टल को जो बंद कर दिया गया उसको खुलवाया जाए। गरीब छात्र हम लोग जो घाट पे सो रहे हैं, घाट पे पढ़ रहे हैं, हम लोग वीडियो बना के भीसी को भेजे भी थे कि घाट पे हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं, रहने का कुछ नहीं है, ना किताब निकाल पाए हैं, ना कॉपी निकाल पाए हैं। नहीं बोलेगा तो हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल से बात करेंगे। भीसी तो चाहता ही है कि हम लोग पढ़े नहीं। लोग से कांपते हैं और जो गरीब का बच्चा यहाँ पटना कॉलेज कैंपस में रहता है उस पर अत्याचार ये लोग करते हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर पटना यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बीते दिनों 13 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में गोलीबारी की घटना हुई थी, जहां एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के प्रशासन ने इस घटने के बाद हॉस्टल को बंद कर दिया, हॉस्टल में ताला लगा दिया, जिसको लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। आज पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्र जो पटना यूनिवर्सिटी के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ वो प्रशासन से लगातार मांगे कर रहे हैं कि उनका जो हॉस्टल है वो जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि उनके सामान जो हॉस्टल में बंद है उन्हें मिल सके। छात्राओं का कहना है कि इस हॉस्टल के बंद होने के कारण उन्हें NIT घाट के पास सोना पड़ रहा है, उन्हें अपनी रातें जो हैं वो सड़कें पे गुजारनी पड़ रही हैं। क्या कुछ वहां के छात्र कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। मांगे हमारे हॉस्टल को जो बंद कर दिया गया उसको खुलवाया जाए। गरीब छात्र हम लोग जो घाट पे सो रहे हैं, घाट पे पढ़ रहे हैं, हम लोग वीडियो बना के भीसी को भेजे भी थे कि घाट पे हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं, रहने का कुछ नहीं है, ना किताब निकाल पाए हैं, ना कॉपी निकाल पाए हैं, ना ही अपना कपड़ा निकाल पाए हैं। सब सामान खाने पीने का उसी में है, फाइल भी उसी में है, यहाँ तक पार्ट थर्ड का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा डॉक्यूमेंट रूमी में है। अब भीसी कोई नाम ही नहीं ले रहा है हॉस्टल खोलने के लिए। बंद किया गया था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ झगड़ा हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पूरा हॉस्टल को बंद कर दिया गया। भीसी चार हॉस्टल बंद कर दिया गया, इकबाल हॉस्टल, नदवी हॉस्टल, मिंटू हॉस्टल, जैक्सन हॉस्टल। भीसी ने एक बार भी गरीब छात्रों के बारे में नहीं सोचा, बस उसको जो समझ में आया, जो निर्णय लेना था ले लिया, और उसके बाद से वो घूमने चला गया गोवा। और फिर 29 तारीख को आ रहा है, बताइए 29 को आया आज 31 है, कल संडे ही था। भीसी तो अपना ऐस कर रहा है, जो गरीब छात्र है उनके बारे में सोच ही नहीं रहा है। गेट पे हम लोग आए यूनिवर्सिटी गेट भीसी से बात करने, यूनिवर्सिटी द्वारा गेट को लॉक कर दिया गया। फिर हम लोग दूसरे गेट पे, गेट नंबर 2 पे, वहाँ पे भी लॉक कर दिया गया। आगे हम लोग बस यही मांगे भीसी से कि हम लोग को हॉस्टल खोल दिया जाए, जो गरीब छात्र हैं वो कहाँ रहेंगे उनके बारे में सोचा जाए। और क्लास भी हमारा शुरू हो गया है, क्लास भी छूट रहा है। नहीं खोलेगा तो हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल से बात करेंगे। भीसी तो चाहता ही है कि हम लोग पढ़े नहीं। देखिए यहाँ पे भीसी का सोच ये हो गया है, भीयू ये सोच रहा है कि हम लोग कलम नहीं निकाले। मेरा नाम जुनैद अख्तर हुआ, मैं इकबाल हॉस्टल में रहता हूँ, पटना कॉलेज 3rd ईयर का छात्र हूँ। देखिए छात्र की जो समस्या है, हॉस्टल से संबंधित समस्या है, आपको मालूम है कि पटना कॉलेज में किस तरह की स्थिति है, उसके देखते हुए प्रशासन की तरफ से ऐसा आया है कि इसको बंद किया जाए। प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्या आगे निर्णय लिया जाए। गोली बंदूक तक मैटर सोचा कैसे? उससे पहले कुछ पता नहीं चला किस तरह की गतिविधि। ये तो आप छात्र से पूछिए कि कैसे पहुंचा। केवल प्रशासन के बस में नहीं, कॉलेज प्रशासन को अपना देखती है, जब घटना घटती है उसके बाद ही पता चल पाता है कि क्या हो रहा है। ये पहली घटना तो नहीं थी, पहले भी होते रहे, पहले क्यों नहीं बन गया ये? जब देखिए, जब समस्या बच्चों को मौका दिया गया कि वो धीरे धीरे अगर अपनी स्थिति को सुधार लेते हैं, तब तक इंतजार किया विश्वविद्यालय ने कि बच्चे अपनी स्थिति को सुधार पाए। अगर बच्चे अपनी स्थिति को सुधार लेते तो शायद ऐसी नौबत ना आती। बच्चे गंगा किनारे सो रहे हैं, मैदान में सो रहे हैं, तो उनके साथ भी तो बड़ी समस्या है। कह रहे हैं मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, सामान भी बंद कर दिया जाए, मौका नहीं दिया गया। नहीं, मौका दिया गया था, 24 घंटे का मौका दिया गया था उनको, लेकिन अगर समस्या है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए।
बात करेंगे हम लोग, अभी प्रशासन से बात करेंगे। 15 से 20 दिन हो गया सर, एक छात्र के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि वो जो है मधेपुरा से और दरभंगा से कहां कहां से आके गंगा घाट पे सोने, वो लोग तो पटना कॉलेज में पढ़ने के लिए आया होगा, गंगा घाट पे पड़े रहने के लिए तो लावारिस की तरह नहीं आया होगा सर। गंगा घाट पे पड़े रहने के लिए क्या विश्वविद्यालय ने उनको कहा है? नहीं कहा ना, कॉलेज बंद कर, जहाँ पे हॉस्टल आप बंद कर दिए तो वहीं पे रहता है तो कहाँ रहेगा? हॉस्टल बंद क्यों हुआ ये तो सोचिएगा ना कि हॉस्टल क्यों बंद हुआ। तो असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में आप लोग विफल क्यों है अभी? वो प्रशासन चिन्हित कर रही है, ये काम विश्वविद्यालय का तो है नहीं, हाँ। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को कहा गया है कि आप उनको चिन्हित करें और उनको गिरफ्तारी करें, अभी तक वो नहीं हो पाया है। पहले आप लोग को कोई खबर नहीं मिलती है कि कॉलेज में इस तरह की गतिविधि हो सकती है, अगर कॉलेज कैंपस में कोई भी बच्चा आया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय उसके लिए सोचती है, लेकिन अचानक कोई घटना घटती है, अचानक घटना घटने के बारे में किसी को पता नहीं चल पाती है। सर सर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं करती सर, सिर्फ निर्दोष छात्रों को सर सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। की बेटी की शादी नहीं होता कर दिया गया, नहीं होता है। का रोड है ना, आप आएंगे पानी महीनों से चल रहा है, बेटी की शादी एक दिन में नल ठीक हुआ साला, पूरा बिजली ठीक हुआ, उस टाइम कोई देखने वाला नहीं था। आज बीसी महोदय हम लोगों को घर से भगा दिए, पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल को खाली करवा दिए और खुद चले गए बैंगलोर घूमने। और हम लोग जब यहाँ 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, प्रोक्टर सर यहीं पर है, हम लोगों ने इनसे पूछा कि सर कब खोल दीजिएगा, छात्र रोड पर आ रहे हैं सर, छात्र घाट पर आ रहे हैं सर, बिल्डिंग घोषित है 15 अगस्त मनाने के लिए तैयारी करेंगे, बंद किया कैसे तैयारी होगा? सिटी में नया नहीं गोली चली है, कुछ दिन पहले सैदपुर छात्रावास में भी गोली चली थी, तो ये प्रोक्टर डीन और भीसी क्यों नहीं सैदपुर छात्रावास में उसके हिम्मत है? इन लोग वो लोग से कांपते हैं और जो गरीब का बच्चा यहाँ पटना कॉलेज कैंपस में रहता